आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आम की लवंजी। आम के नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। आम खाना तो लोगों को बहुत पसंद आता है। आम के सीजन आते ही लोग आम से कई तरह से रेसिपी बनाते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आम की लवंजी। इसे लोग आम की खट्टी मीठी चटनी भी कहते हैं। यह लवंजी बनाना बहुत आसान है। आप इसे अपने घर में बहुत आसानी से बनाकर खा सकते हैं। सबसे पहले हम आम को छीलकर काट लेते हैं। आम को हम चाकू से घुमाते हुए छील लेते हैं। आप चाहें तो आम को छिलनी से छील सकते हैं। इसी तरीके से हम सभी आम को छील लेते हैं। हमने सभी आम के छिलकों को छील लिया है। अब आम को हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। पहले हम आम को दो भागों में काट कर इसका गुठली निकाल लेते हैं। अब इसको हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे आम को काट लेते हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से आम को छोटे या बड़े पीस में काट सकते हैं। एक एक करके हमने सारे आम को काट लिए हैं। यहाँ हमने पानी लिया है। अब इसी पानी में आम डालकर साफ कर लेते हैं। अब हम आम को अच्छे से पानी से साफ कर लेते हैं। और आम को पानी से साफ करने के बाद इसी प्लेट में निकाल लेते हैं। आम को पानी से साफ करके इस प्लेट में निकाल लिए हैं। लवंजी बनाने के लिए हमने कड़ाही गैस पर रख दिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे। कड़ाही में हम तेल को डाल देते हैं। तेल को हल्का गर्म करेंगे। तेल हमारे हल्के गर्म हो गए हैं। अब इसमें हींग डाल देते हैं। अब इसमें अदरक डाल देते हैं। अदरक और हींग को हल्का भून लेते हैं। अदरक हमारे भुन गए हैं। अब इसमें जीरा डाल देते हैं, अजवाइन, सौंफ, राई, मंगरेल, जिसे लोग कलौंजी कहते हैं। अब सभी सामग्री को अच्छे से भून लेते हैं। इसको हम धीमी आंच पर बराबर चलाते हुए भूनेंगे। ये हमारे सभी सामग्री हल्के सुनहरे कलर में भुन गए हैं। अब इसमें हम आम को डालेंगे। आम को हल्का से भून लेते हैं। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं। ये मिर्च तीखे नहीं होते हैं। इसे डालने से लवंजी का टेस्ट बढ़ता है। यह मिर्च लोग सब्जी में भी डालते हैं। आम को हमने लगभग अच्छे से एक मिनट तक भून लिया है। अब इसमें डालेंगे एक कप पानी। और इसमें हम नमक को डाल देते हैं। इसमें हमने नमक हल्का ही डाला है क्योंकि लवंजी में नमक हल्के अच्छे लगते हैं। अब इसको हम इस थाली से ढक कर एक मिनट तक पका लेते हैं। एक मिनट हमारे हो गए हैं। अब हम थाली को हटा देते हैं। आम को हमने एक मिनट तक पका लिया है। अब इसमें गुड़ डालेंगे। अब गुड़ को हम लगातार चलाते हुए गला लेते हैं। गैस को हमने मीडियम में रखा है। लवंजी को हम मीडियम आंच पर पकाएंगे। गुड़ हमारे पूरी तरह से गल गए हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिला लेते हैं। इसे डालने से लवंजी गाढ़ी हो जाती है। आरा रोड को हमने अच्छे से पानी मिला लिया है। अब इसको हम लवंजी में डाल देते हैं। अब इसको हम ढकेंगे नहीं, बिना ढके लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं। इसे हम चलाना नहीं छोड़ेंगे क्योंकि लवंजी गाढ़ी होने के बाद कड़ाही में जलने लगेगी। ये लवंजी हमारी अच्छी तरीके से पक गई है। इसको हमने लगभग मीडियम आंच पर 3 मिनट तक पकाया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं लवंजी हमारी कितनी गाढ़ी हो गई है और आम हमारे अच्छे से पक गए हैं। ये ठंडे होने के बाद और गाढ़े हो जाएंगे। अब इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए।
लौंजी हमारी ठंडी हो गई है, अब प्लेट में निकाल कर आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी आम की लौंजी बनकर तैयार हो गई है। इसे बनाने में हमें लगभग 15 मिनट लगे हैं। अगर आपके घर में कोई सब्जी नहीं बनी है तो आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं। यह लौंजी बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आता है, तो आप भी इसी तरीके से अपने घर पर बनाकर रोटी के साथ खा सकते हैं, पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं।